Assalamu alaikum, dear students of class 9th. We are reading A Basketful of Sea Trout, a famous play written by Neil Grant. This play is full of suspense. I have already told you in first three parts. Dear students, there are many characters in this play, namely Fintan, Lord Fintan, William Broody, Jane Lomond, and a Colonel Iodine's constable. My dear students, this play is full of suspense because the whole play is played in a single room. Dear students, we will read this fourth part of this lesson today, of this play today. Now, put on your page on 121 of your text. Dear students, now let's read. My dear students, क्या होता है जो जेन लोमोंड आती है इन दो आदमियों के पास, ब्रोडी के पास और जज के पास, उनका शुक्रिया अदा करने के लिए कि आपका शुक्रिया, आपने मेरे बेटे को बचा लिया. Now we will read further. जेन, द लॉ, कानून, मतलब कानून क्या, जज, द लॉ हैज फाउंड हिम इनोसेंट, कानून ने उसे मासूम पाया, बेकसूर पाया, इसीलिए आपके बेटे को रिहा कर दिया गया. जेन, बट सपोजिंग द लॉ वाज टू चेंज इट्स माइंड, क्या अगर, बट सपोज, मैं सपोज करती हूँ, फर्ज करती हूँ, अगर कानून ने अपना माइंड चेंज किया होता तो क्या होता. जज बताता है, द केस इज फिनिश्ड, अब कोई टेंशन नहीं है, अगर कानून का माइंड चेंज हो जाएगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब जो केस है वो खत्म ऑलरेडी हो चुका है कोर्ट में, उसकी जो मतलब वर्डिक्ट, फैसला आ गया है, आपका जो बेटा है ही इज इनोसेंट. जज, आर यू श्योर ऑफ दैट, क्या आपको पूरा यकीन है. जज जेंटली, बड़ी नरमी से, द लॉ सेड, कानून ने कहा है, यू आर मर्डर, यू आर अंडर द सस्पिशन ऑफ द क्राइम ऑफ मर्डर, आपके बेटे को कहा है कि आप पे शक है, शक ये है कि आप किसके, शक आप किसके नीचे हो, मतलब आपका, आप पे ये जुल, आप पे ये क्राइम है कि आपने किसी का मर्डर किया है, कि शक के बिना पर आपके बेटे को गिरफ्तार किया गया है कि इसने किसी का मर्डर किया है. यू विल बी ट्राइड इन अवर कोर्ट ऑफ इम्पार्शल जस्टिस, और उसे कहा गया है कि आपका जो केस है वो गैर जानबदाराना इंसाफ में लड़ा जाएगा, कि आपने वाकई में किसी का कत्ल किया है कि नहीं. एंड वी हैव फाउंड हिम नॉट गिल्टी, और उसने, हमने बेकसूर पा लिया, हमने उसकी कोई गलती नहीं पाई वहाँ पे इम्पार्शल जस्टिस में. एंड देयर इज एन एंड ऑफ इट, और उसका इस मुकदमे का खात्मा हो गया. जेन, रबिंग हर हैंड्स, उसने अपने हाथ को रब किया मलते हुए, इन मेंटल एंग्विश, मतलब उसे जहनी तकलीफ था, इफ आई वॉज ऑनली श्योर, अगर मुझे सिर्फ ये यकीन होता. क्या, जज, यू कैन टेक माई वर्ड फॉर इट, इसके लिए आप मेरे अल्फाज ले लो, कि आप ये अल्फाज ले लो कि आपका बेटा फ्री है, मैं आपको वर्ड देता हूँ. जेन, यस माई लॉर्ड, हाँ मेरे मालिक, यू लाइकड माई सन, आपको मेरा बेटा पसंद था. थैंक यू, शुक्रिया, माई लॉर्ड, मेरे मालिक, गॉड ब्लेस यू, अल्लाह ताला आपका अच्छा करे, आपको ब्लेसिंग देती है. माई लॉर्ड, मेरे मालिक, शी कर्टसीज टू बोथ, वो सरसरी अंदाज में दोनों को, मैन एंड गोज आउट, दोनों अंदाज, दोनों आदमियों को सरसरी अंदाज में थैंक्स करती है और वो चली जाती है. जज, आफ्टर क्लोजिंग एल, वो दरवाज़ा बंद करता है एल का, एल डोर, गोज आर, और आर की तरफ जाता है. ब्रूडी रिज्यूम सीट, ब्रूडी वापस अपनी कुर्सी लेता है, पुअर वुमेन, और कहता है कि बेचारी वुमेन. जज ब्रीफली, मख्तसर अंदाज से, यस, हाँ, वेरी रेस्पेक्टेबल फैमिली, बहुत इज्जत फैमिली है. द लोमोंड्स बीन हियर फॉर जनरेशन्स, जो लोमोंड की विरासत है, उनके जो जनरेशन्स है, मतलब वो यहाँ पे जनरेशन से, मतलब वो पहले से ही मानी गई है कि लोमोंड्स की जो जनरेशन है वो रेस्पेक्टेबल है, ये पहले से ही कहा गया है. ब्रोडी, नॉट सरप्राइजिंग, शी डिसप्राउड ऑफ द लेडी हु मेट सच एन अनटाइडी एंड, हैरत की बात नहीं, इसने इस खातून से नाजायज बात की, इसमें हैरानगी की कोई बात नहीं कि इसने इसके साथ नाजायज तरीके से बात की, जिसको इस तरह का नाजायज अंजाम मिला था, मतलब इस औरत को नाजायज अंजाम भी मिला था, इसने बहुत से लड़कों की जिंदगी तबाह कर दी थी, इसीलिए इसने इसके साथ नाजायज तरीके से बात की, मतलब रूड बिहेवियर किया. अच्छा, जज, आफ्टर सम मोमेंट्स ऑफ केयरफुल साइलेंट, खामोशी के कुछ लम्हों के बाद जज कहता है, डिड यू नोटिस ए क्यूरियस एडमिशन शी मेड, क्या आपने दिलचस्प वाक़ा देखा कि वो अंदर कैसे दाखिल हो गई,
ब्रूडी, आह नो, मैंने नहीं देखा, बट नाउ आई सी इट, मैं अब देखूंगा। आई थिंक यू डोंट मिस मच, जज, आपको मिस नहीं करना है ऐसी बात। जज, आई एम ए लायर, मैं एक वकील हूँ। ही टेक्स अ स्टेप आर टू एंड देन गोज नियर द ब्रूडी, वो एक दो कदम आगे चल के ब्रूडी की ओर चला जाता है, कहता है कि मैं वकील हूँ। द लास्ट पर्सन हु सा नील साल्टर अलाइव, आखिरी जो वो इंसान जिसने नीली साल्टर को जिंदा पाया, जिंदा देखा, वो कौन था? वाज द फार्मर एट डैक्स फार्म, वो डैक्स फार्म का एक किसान था, उसी ने नीली साल्टर को जिंदा पाया था। अबाउट 100 yards फार्दर ऑन, वो यहाँ से लगभग 100 गज दूरी पर रहता है। द रोड डिवाइडेड एट अ स्पॉट इनविजिबल फ्राम द फार्म, मतलब वो कहाँ पर रहता है, पोशीदा जगह पर तकसीम हुआ है, मतलब वो वहाँ रहता है, अब वो जगह बिल्कुल पोशीदा है, वो तकसीम हुई है पोशीदा जगह पे, हम वहाँ जगह पे नहीं जा सकते हैं। वन पाथ गोज बाय द साइड ऑफ द लॉज, एक रास्ता है जो कहाँ की ओर जाता है, जो लॉज की ओर जाता है, कोच करता है कहाँ की ओर, लेक्स की ओर चला जाता है। द अदर द पाथ ऑफ द रेड डीर्स गोज अप द हिल्स, और जो दूसरा रास्ता है वो सुर्ख हिरन की ओर चला जाता है। Rejoins the lodge path about a mile further west, और ये दोनों रास्ते आपस में मिलते हैं कहाँ पे, 1 mile दूरी पर ये दोनों रास्ते आपस में शामिल होते हैं। Nobody knew whether Neely Salter took the low road or the high road, किसी को पता नहीं नीली साल्टर ने कौन सा रोड इख्तियार किया, उसने लो रोड वाला इख्तियार किया या हाई रोड इसने इख्तियार किया, किसी को पता नहीं। Her body was found 200 yards from the west junction, उसकी जो बॉडी है, उसकी जो मैयत थी, वो कहाँ पाई गई, 200 गज दूर पाई गई, वेस्ट जंक्शन में उसकी बॉडी पाई गई। अब द टू paths, उन दो रास्तों के दरमियान। टर्न द पेज। ब्रोडी आफ्टर ए पाज वो रुक जाता है, बट मिस लॉमोन न्यू, लेकिन मिस लॉमोन को पता थी। जज, अपेरेंटली बज़ाहिर उसको पता होगी। ब्रोडी, शी डिड नॉट से, उसने कुछ भी नहीं कहा। सो हाउ एवर इन कोर्ट, फिर कोर्ट में उसने उसके बारे में कुछ क्यों नहीं कहा, अगर उसे पहले ही पता थी नील ग्रांट के, अगर उसे पहले ही पता थी नीली साल्टर के बारे में, तो उसने क्यों नहीं कहा कुछ। जज बताता है, इन हर एविडेंस शी डिनाइड ऑल नॉलेज ऑफ नील ग्रांट्स मोमेंट्स ऑन द डे, उस दिन में जब, मतलब ये इल्म होने वाला था कि अभी अपना सबूत पेश करेगी, मतलब नील ग्रांट की हरकत के, नकलो हरकत के मुतालिक उसने कोई अल्फाज ही नहीं कहा, उसने कहा मुझे कुछ पता नहीं है ऑफ द क्राइम, उस बुराई का। ब्रोडी, बट अपेरेंटली शी वाज देयर, लेकिन बज़ाहिर वो वहाँ पे वहीं पे थी। जज, लुक्स लाइक इट, ऐसा ही लगता है, लेकिन उसने कुछ एविडेंस नहीं दिया। ब्रोडी, नाउ What did she exactly say? वो अब बिल्कुल क्या कहेगी just now about the path? अब इस, मतलब अब इस रास्ते के बारे में वो क्या कहना चाहती है? वो evidence भी पेश नहीं करती है, अब वो इस रास्ते के बारे में क्या कहना चाहती है? जज, समथिंग लाइक दिस, मुझे लगता है वो यही कहेगी क्या, ऑफ शी वेंट, वो चली गई, दैट इज टू से नीली साल्टर एंड अप ऑन द हिल साइड, और नीली साल्टर हिल साइड की ओर चला गया, मुझे लगता है वो यही अल्फाज दोहराएगी। ब्रूडी, दीज आर द वाइटल वर्ड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है हमारे लिए। जज, यस, एंड अप ऑन द हिल साइड, जब वो पहाड़ की ओर चला गया, शी टुक आउट हर पाउडर, उसने अपना पाउडर निकाला, किसने, उस लेडी ने अपना पाउडर निकाला जब वो पहाड़ों की ऊपर चली गई। ब्रूडी, हर पेंट एंड हर पाउडर, उसने अपना पेंट भी निकाला और पाउडर भी निकाली। जज, एंड देन शी सेड समथिंग टू द इफेक्ट, उसने फिर ये इस असर के लिए ऐसे अल्फाज कहे, दैट द वुमेन ब्यूटिफाइड हरसेल्फ, उस औरत ने अपने आप को ब्यूटी कर दिया, उसने अपने आप को सजाया, एंड लुकड राउंड, फिर उधर इधर देखा, ऑन हिल एंड द लॉज, पहाड़ों की ओर गोल गोल देखा और लॉज उस लेक की ओर भी देखा। ब्रोडी, एंड द बाउंजी ट्रीज इन द वुड, और जो वो बाउंजी ट्रीज के बारे में बात कर रही थी जंगलों में, वो क्या है? जज रिपीटिंग, जज ने भी रिपीट कर दी ऐसे अल्फाज, एंड द बाउंजी ट्रीज इन द वुड, वो क्या कह रही थी बाउंजी ट्रीज के बारे में, जो वो कह रही थी जब उसने कहा था कि मैं जंगल चली गई। ब्रोडी कहता है, एंड देन द वुड्स टू द इफेक्ट दैट शी वॉज बोनियर, और उसने उस जंगल के असर के मुतलिक ये बात कही है कि वो पुरकश है, दैट आई एम बोनियर, मैं पुरकश हूँ। जज, एंड मोर पावरफुल, और ये भी कहा कि मैं ताकतवर हूँ। जज, ब्रोडी, देन द नेचर अराउंड हर, किससे, नेचर से वो ज़्यादा पुरकश है और नेचर से ज़्यादा ताकतवर है, कौन, वो लेडी जिसने सबों की जिंदगी तबाह बर्बाद की थी। जज, यस, एंड आई रिमेंबर द फाइनल वर्ड्स, मुझे उसके आखिरी अल्फाज याद है, आई कांट डू विद मैन व्हाट आई लाइक, मैं आदमियों के साथ वो करूँ जो मुझे चाहे मैं उनके साथ कर सकती हूँ। एंड शी लुकड राउंड हर प्राइड एंड वेंट डाउन द हिल, और वो अपने फख्र से उधर उधर देखती थी और वो
हिल से नीचे आ गई। ब्रोडी, यू डिड्यूस शी वाज देयर? क्या आपने नतीजा निकाला कि वो वहीं पे थी? जज, इट इज़ अ फेयर डिस्ट्रक्शन, इसमें कोई कोताही नहीं है, कोई कटौती नहीं है, इसमें सच्चाई है यही। ब्रोडी, राइजिंग एंड मूविंग, एल वो एल की ओर चला जाता है एंड गोइंग नियर द डोर, दरवाजे की ओर चला जाता है टू बी श्योर दैट दे आर नॉट ओवरहर्ड, इस बात का यकीन करते हुए कि उन्होंने नहीं सुना। एंड वाज ट्रैकलिंग नीली, और वो नीली से बाखबर रहा था। जज, पॉसिबिलिटी, मुमकिन ये भी हो सकता है कि वो वही जंगलों में थी। ब्रोडी, हर सन माइट हैव टोल्ड हर सपोजिंग ही वाज द गिल्टी पार्टी, शायद उसके बेटे ने अपने माँ से कहा होगा, शायद क्या कि मैं गिल्टी पार्टी में हूँ, मैं उस पार्टी में शामिल हूँ जिसने गलती की है, शायद उसके बेटे ने उसे ऐसा ही कहा होगा। थैंक यू माई डियर स्टूडेंट्स, दिस वॉज द पार्ट नंबर 4। इंशाल्लाह रहमान नेक्स्ट डे वी विल कम्प्लीट दिस लेसन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, दुआओं में याद रखना। फी अमानिल्लाह।